हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सवालों के जवाब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो है क्यू एन ए वीडियो और इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जो है मैंने आपके जवाब दे दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैंने आप सभी के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पिक किए हैं। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। हम दोस्तों हम पिक कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कि हमसे कौन कौन से सवाल पूछे गए। तो इस क्यू एन ए सेशन में जो सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया वो पूछा गया है ऑल इन वन ने। तो हैशटैग क्यों ने, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें ये चैनल कब शुरू किया, कौन सी क्लास में हो? तो भाई मैं बता दूँ, मैं जे एंड के का रहने वाला हूँ और ये चैनल जो मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था और मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। उसके बाद हमसे अगला सवाल पूछते हैं गेमर एक्स गाइस, जैसे क्यों ने भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आप कौन सा नेटवर्क प्रेफर करते हो और आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो हुआ? तो बहुत सारे सवाल इन्होंने हमसे पूछे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं आप जैसे कि मैंने आपको बताया तो मैं जे एंड के स्टेट का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। और भाइयों मेरी जो फेवरेट गेम है वो है पबजी। तो उसके बाद जो अगर मेरे को प्रेफर करना होगा नेटवर्क वो मैं करना चाहूँगा जियो। तो उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में अभी पढ़ाई है, क्योंकि अभी 12th स्टैंडर्ड में तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे अच्छे मार्क्स आएंगे, जिससे अच्छे कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों अभी 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए अभी यही है। तो उसके बाद YouTube चैनल ग्रो कैसे हुआ, तो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता गया और मुझे यकीन था कि कोई ना कोई एक वीडियो जो है वायरल होगी और हुई भी। तो उसके बाद जो दोस्तों अभी आप जैसा देख सकते हैं कि अभी मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है और आगे भी होगा। तो उसके बाद हमसे अगला सवाल पूछा, वो पूछा अभिषेक राज ने, विच इज़ योर मोबाइल कंपनी एंड मॉडल प्लीज़ टेक इन क्यू एन ए। तो इनका कहने का मतलब यह है कि मैं कौन सा मोबाइल डिवाइस कंपनी मोबाइल कौन सी कंपनी का यूज़ करता हूँ, साथ ही उसका मॉडल नंबर क्या है। तो मैं बता दूँ, मैं Xiaomi का मोबाइल यूज़ करता हूँ और जो मॉडल है वो है Redmi Note 5 Pro। तो अगला सवाल हमसे पूछा है वर्ल्ड वाइड रैप में, why I am not finding Battle of Chipak 2 games in Play Store, please tell me something why I am not finding this game, love from Bangladesh। तो सबसे पहले लव यू टू ब्रो। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपको, आप क्यों नहीं फाइंड करो, अगर नहीं भी कर पा रहे हो अभी भी तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। उसके बाद हम अगला सवाल पूछा इस्माइल खान ने, भाई आपका कितने ब्रदर है और आप आपका वीडियो बनाने में कौन कौन हेल्प करता है? तो मेरा कोई अपना रियल ब्रदर नहीं है, कजन्स हैं और साथ ही साथ आप मेरे भाई जैसे ही हो और मेरे वीडियो बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करता, मैं खुद ही वीडियो अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो उसके बाद हमसे अगला सवाल पूछा के एम पांडे ने, हैशटैग क्यों ने, भाई आपने ये कब सोचा कि आपको यूट्यूब पे वीडियो डालनी चाहिए और आपने गेमिंग की चैनल क्यों बनाया और फर्स्ट वीडियो का व्यूज़ कितना था? तो सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो जो YouTube चैनल मैंने आपको बताया कि 1.5 साल पहले शुरू कर दिया था, 1.5-2 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उसके बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड करी भी थी और तब के टाइम पे हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में कोई भी एक यूट्यूबर नहीं था, यानी कि एक दो यूट्यूबर थे, एक गेमिंग वर्ल्ड थे और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनकी मैं वीडियोस देखता था, फिर मैंने भी एक वीडियो अपलोड करी थी। तो उसके बाद वो मैंने पहली वीडियो की थी GTA San Andreas की, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, और जो उसके व्यूज़ थे वो भी बहुत बढ़िया आए थे। तो उसके 1.5 लाख व्यूज़ आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने जो वीडियो बनाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैंने 5-6 महीने के बाद फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। तो और गेमिंग चैनल ही बनाने का क्यों सोचा, तो मैं भाई गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता था तो टैक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे को, लेकिन टैक्स चैनल का भी बनाने का सोचा था और बनाया भी है। उसमें थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा बना वीडियो अपलोड करने में, तो इसलिए वो नहीं बना पा रहा उसमें मैं वीडियोज़। तो लेकिन गेमिंग चैनल पर भी मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद विच इज़ योर फेवरेट गेम एंड यू प्ले पबजी, प्लीज़ मेक सम वीडियोज़ अबाउट पबजी मोबाइल अपडेट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेरी फेवरेट गेम है वो है पबजी और मैं पबजी मोबाइल को खेलता भी हूँ और मैं पबजी मोबाइल पर आने वाले समय में वीडियोज़ अपलोड भी करना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए अगर आपको पबजी पे गेम वीडियो चाहिए। तो उसके बाद ब्रो वाई यू नेम योर चैनल गेमिंग आर रिटेन है 17। तो हम सबसे पहले तो गेमिंग की बात करते हैं, तो गेमिंग तो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरा एक गेमिंग चैनल था, ऐड का आप छोड़ दो। तो उसके बाद हम 89-17 की अगर हम बात करें, 89 तो मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो 89 था मेरे ईमेल में आता था और 17 मेरा 10th का रोल नंबर था, तो इसलिए मैंने फिर इसको मिक्स करके 89-17 कर दिया। थोड़ा सा यूनिक सा नेम चाहिए था मुझे और इसलिए मैंने गेमिंग आर रिटेन 17 रख दिया। तो उसके बाद हमसे अगला सवाल पूछा टैक माइंड ने, हैशटैग क्यों ने, तुम्हारे चैनल टैक चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालते हो? तो इसका एक ही रीज़न है कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता इसलिए नहीं चढ़ा पाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में शायद से उस पर बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियोस चढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद हमसे विकास पांडे ने अगला सवाल पूछा, भाई आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, बस
एक ही प्रॉब्लम है कि आप सबसे ज़्यादा वीडियोस रियल क्रिकेट 18 पे ही बनाते हो और भी इंटरेस्टिंग गेम्स की वीडियो भी डाला करो। तो मैं आपको बता दूं, मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं, स्कूल स्टूडेंट हूं, यानी कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं, तो अभी तो स्कूल में ही हूं। तो उसके बाद हम एक प्रॉब्लम ये है कि रियल क्रिकेट 18 में मैं ज़्यादा वीडियो चढ़ाता हूं, और उस पर मैं इसलिए चढ़ाता हूं क्योंकि आप सभी को इतना पसंद है रियल क्रिकेट 18, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा चढ़ाता हूं वीडियोज़। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिकेट गेम्स में से, अभी के टाइम पर मुझे रियल क्रिकेट 18 ही पसंद है। और अगर आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी चाहिए अलग अलग गेम्स पर, कमेंट्स में लिख दीजिए गेम का नाम, ज़रूर से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसके बाद हमसे अगला सवाल पूछा शंतनु ने हैशटैग उन्हें हाउ टू डाउनलोड GTA Vice City फॉर एंड्रॉइड एंड GTA San Andreas फॉर एंड्रॉइड। तो आपको बहुत सारी YouTube पे वीडियोस मिल जाएगी, आप सर्च करिए YouTube पे और आपको जरूर के जरूर मिलने वाली है। तो उसके बाद टेक्नो गेमर एक्स ने पूछा Q1 ने क्या छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो तो प्रमोट कर देना। तो सबसे पहली बात, YouTube में छोटा या फिर बड़ा कोई नहीं होता, सबसे पहले बात यही है। अभी आप अगर मैं प्रमोट करने की बात करूं तो प्रमोट करना मैं चाहूंगा, और मैं यहीं से रिक्वेस्ट करता हूं, बोलता हूं कि यार मैं आपका चैनल प्रमोट करना चाहता हूं। ये नहीं कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मैं यहीं से बंदों को बोलता हूं भाई मैं आपका चैनल प्रमोट करना चाहता हूं, जिनके जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते हैं और वो अपने चैनल पर लगातार मेहनत कर रहे हैं फिर भी उन्हें फल नहीं मिल रहा, तो मैं यहीं से उनको दोस्तों बोलता हूँ कि भाई मैं आपका चैनल प्रमोट करना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पे अपने मेहनत करते हो और आपको नहीं मिल रहे व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर, तो मैं आपका ज़रूर का ज़रूर सपोर्ट करना चाहूँगा। वैसे सपोर्ट तो मैं करूँगा लेकिन प्रमोट करना चाहूँगा अगर आप अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हो। तो उसके बाद व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ट्रिकी पीजी ने हमसे अगला सवाल पूछा है नाइस प्रो हैशटैग क्यों ने भाई आप फ्यूचर में मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर, जैसे मैंने आपको बता दिया छोटा बड़ा कोई नहीं है, सपोर्ट तो मैं उन्हीं को करूंगा जो अपने चैनल पे मेहनत करते हैं, क्या फ्यूचर में यूट्यूब छोड़ोगे? फिलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है यूट्यूब छोड़ने का और ना ही छोड़ने वाला हूँ। क्या आप कभी फेल हुए थे? तो भाई फेल की अगर हम बात करें, मैं अभी तक कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ और आगे होना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि पढ़ाई में तो मैं अच्छा हूँ यार, इसलिए यार कभी फेल नहीं होना चाहता मैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ प्रमोट कर देना। तो भाई कॉप का क्वेश्चन मैंने पिक भी कर लिया, और प्रमोट की अगर हम बात करें तो चलो यार सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को अगर आपको इनकी वीडियोस पसंद है। तो फेस कैम वीडियो हमसे जो सवाल है ये पूछा हमसे आर्यन पाटिल ने, ब्रो फेस कैम वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेगी और वो मिलने वाली आपको 100K पे, यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर पे अगर मेरे कभी हुए तो ज़रूर से आपको एक Q&A वीडियो भी मिलेगी, अगर नहीं हुए तो फिर नहीं मिलेगी, ज़्यादा क्या हो सकता है। तो अगला सवाल हमसे पूछा है टैप ड्रॉइड ने हैशटैग क्यों ने रैपिड फायर, तो रैपिड फायर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बाइक या फिर कार मदर या फिर फादर दोनों, तो उसका PS या फिर PS4 PC, तो उसके बाद फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड फ्रेंड, लैम्बोर्गिनी और 1 मिलियन सब्सक्राइबर, पबजी और क्रिकेट गेम्स, पबजी हेटर्स और लवर्स, माई नेम इज़ काशीनाथ। तो आपका सवाल भी मैंने पिक कर लिया था। अगला सवाल हमसे पूछा है केतन पटनी ने, हाय ब्रो तुम कितने इयर्स के हो और तुम्हारा नेम क्या है, और PSP की कोई ज़बरदस्त गेम लाओ फॉर एंड्रॉयड एंड WWSR की गेम का हाईली कंप्रेस भी लाओ, टेक माय क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं मैं 16 प्लस का हूं, तो अभी अक्टूबर में 17 इयर्स का हो जाऊंगा, तो उसके बाद मेरा नाम तुषार है जैसे कि मैं आपको बताता हूं हर वीडियो में। उसके बाद PPSS PP की मेरे को जो सबसे ज़बरदस्त गेम लगती है वो है WWE 2006, यानी कि WWE SmackDown vs. Raw 2006 मेरी फेवरेट गेम है। तो SVR पर हाईली कंप्रेस गेम भी आने वाली, अगर आपको चाहिए कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो एक ज़रूर से आपके लिए आ जाएगी। तो बस आज की Q&A सेशन इतना ही था, और अगर आपको मेरी Q&A वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपका मैंने क्वेश्चन पिक नहीं किया तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगले Q&A में मैं आपका सवाल 100% पिक करने की कोशिश करूँगा अगर मैंने इस वीडियो में नहीं कर पाया हूँ। तो बहुत सारे सवाल आ चुके थे और मैंने आपके सवालों का जवाब भी बड़ी अच्छी तरह से दिया। तो अगर अब से जो है Q&A वीडियो आने वाली है हर संडे को, आप इस वीडियो के भी कमेंट्स में लिख दीजिए Q&A का कोई भी क्वेश्चन, तो मैं अगले संडे को जो वीडियो आने वाली Q&A की आपको देखने को मिल जाएंगे आपके सारे सवालों के जवाब। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मेरा नाम है तुषार, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।